जिला मुख्यालय धर्मशाला में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। गलवान में घटित घटना के बाद देश भर में चीन और चीन की सेना के खिलाफ खासा आक्रोश है, जिसके तहत जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस दौरान बजरंग दल व बिहिप कार्यकर्ताओं ने चीन सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बजरंग दल विभाग के सह संयोजक नरेश धीमान ने कहा कि चीन सेना ने भारत के साथ धोखा किया है। चीन वर्ष 1962 से भारत की दरियादिली का नाजायज फायदा उठाता आ रहा है, जिसके चलते आज चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है। भारतीय सेना बॉर्डर पर चीन का मुकाबला कर रही है और हम देश के अंदर चीन के सामान का बहिष्कार करके उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करेंगे। सभी भारतीय एकजुट होकर चीन के सामान का विरोध करेंगे। हमारा सभी व्यापार मंडलों से आग्रह है कि वे चीन के सामान न बेचें और न ही चीन के सामान को लें। इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज जो हमारा प्रदर्शन है वो चाइना ने जो भारत के साथ धोखा किया है, सन 1962 से जो भारत की दरियादिली का हमेशा से नजायज फायदा उठाता है, हम उसके खिलाफ, आज चाइना के खिलाफ, उसके खिलाफ हमने एक प्रदर्शन किया है और हम ये एकजुटता दिखाना चाहते हैं भारत की सेना के साथ, पूरे देश की, कि भारतीय सेना के साथ पूरा देश खड़ा है और सेना जो है वो बॉर्डर पे मुकाबला कर रही है चीनियों का और हम देश के अंदर उसके सामान का बहिष्कार करके उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करेंगे और पूरे भारतीय एकजुट होकर हम इसका विरोध करेंगे। आज जो हमारा दूसरा मेन मकसद ये भी है कि हम जितने भी हिमाचल के व्यापार मंडल हैं, हम उन सबको से यहाँ से अनुरोध करना चाहते हैं कि चीन का जो भी सामान है, जो भी चाइना के प्रोडक्ट जो है यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं, उन सबको वो उसको आगे आने वाले समय से ना लें। जो सामान पड़ा हुआ है उसको बेचने के बाद नया सामान इंपोर्ट करने का कोशिश ना किया जाए, क्योंकि आने वाले समय पर इसका विरोध बढ़ता जाएगा और इस मुद्दे को हम ठंडा नहीं होने देंगे जब तक चीन का व्यापार पूर्णतः या तो हिंदुस्तान से बंद ना हो जाए या फिर जब तक चाइना भारत के खिलाफ की हुई अपनी इन नापाक हरकतों से जो है अपने आप को पीछे ना हटाए, तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और हम इसको गहरे तक लेके जाएंगे। हम इसे जितने होलसेलर से हम उनसे बात करेंगे, हम उन सबसे हम इस बारे में बातचीत करेंगे। ये हमारा मेन मकसद है कि हम सिर्फ शोर डालना एक मकसद नहीं है, इसको हमने एक अमलीजामा पहनाना पूर्ण तौर पर।